तो आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स यहाँ पे गियर आपका चेंज हो रहा है, लेकिन आपको और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको शिमानो कंपनी का हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक मिल रहा है, जो कि आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टेक चैनल। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ BMW की वह साइकिल, जो कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे ये काफी ज्यादा हाई एंड कंपनी की साइकिल है, जिसका प्राइस आपका 1 लाख के ऊपर से स्टार्टिंग होते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको BMW के बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन लगा हुआ है और किस पर्पस के लिए ज्यादातर यूज आते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को जोर दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं BMW के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज मैं आपको BMW के बारे में पूरा फुल रिव्यू कराने वाला हूं। तो ये साइकिल आपका फ्रेंड्स BMW का लोएस्ट मॉडल है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही कम प्राइस में आपको ये साइकिल मिल जाती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका वेट के बारे में कि BMW साइकिल की जो वेट आती है वो स्टार्टेबल कितना आती है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि इसका टोटल वेट आपका 13 kg है, जो कि 13 kg में ये टोटल साइकिल आपका कंप्लीट किया हुआ है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इसके फ्रेम बॉडी के बारे में। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि इसका जो फ्रेम बॉडी दिया हुआ है पूरा का पूरा एलॉय बॉडी दिया हुआ है, और बहुत ही अच्छा इसका बिल्ड क्वालिटी बनाया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कवर करती है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कि इसका यहाँ BMW का एक आपको सिंबल मिल जाता है, साथ ही साथ आपको बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको बहुत ही अच्छा एक डिजाइन लुक में पूरा फ्रेम रेडी किया गया है, और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर कैरी करने के लिए दिया गया है, एक इधर भी दिया गया है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये दोनों जगह आप चाहो तो बोतल होल्डर भी कैरी कर सकते हो, बट एक जगह आपको मिनी पंप स्टैंड करने के लिए भी स्पेयर दिया हुआ रहता है, तो आप एक जगह पे बोतल होल्डर और एक जगह पे मिनी पंप स्टैंड कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा लाइट वेट और प्रीमियम पेंट के साथ पूरा फ्रेम को रेडी किया गया है, जो कि काफी ज्यादा बिल्ड क्वालिटी इसका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सॉकर दिया हुआ है ये आपका पूरा पूरा रिस्ट फोर्थ सॉकर है, जो कि फ्रेंड्स ये आपका ऑन रोडिंग के लिए ज्यादा वर्क करता है और काफी ज्यादा स्मूथ राइडिंग रहता है। अब फ्रेंड्स बात आती है इसका मेन हैंडल्स के बारे में। इसका फ्रेंड्स हैंडल बहुत अच्छा ग्रिपिंग के साथ आपको मिल रहा है, जो कि पूरा एलॉय बॉडी के साथ दिया हुआ है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको शिमानो कंपनी का हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक मिल रहा है, जो कि आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक इसका वर्क करता है फ्रेंड्स। मेन पॉइंट्स आता है फ्रेंड्स कि इसके आपको गियर्स के बारे में। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसमें आपको शिमानो कंपनी का नेक्सस मॉडल इंस्टॉल है, जो कि फ्रेंड्स आपको इसमें 7 स्पीड का गियर लगा हुआ है, जो कि सबसे बड़ा खासियत फ्रेंड्स ये है कि इसमें आपको हब गियर दिया हुआ है, जो कि अदर साइकिलों में आप देखते होंगे कि बाहर में गियर इनमोल्ड रहता है, बट इसका जो आप देख रहे हो कि फ्रेंड्स इसमें हब जो है इसके अंदर गियर इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि 7 स्पीड का गियर है। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी इसका चेंजिंग है और स्मूथनेस है। तो आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स यहाँ पे गियर आपका चेंज हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि गियर चेंज हो रहा है, और पैडल बहुत ही ज्यादा लाइट हो रहा है और बहुत ज्यादा स्मूथ शिफ्टिंग है फ्रेंड्स इसका, और लाइट वर्क है इसका, बहुत ज्यादा लाइट ये चलेगा आपको फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सीट एडजस्टेबल का भी ऑप्शन दे दिया गया है, आप अपने सीट को भी एडजस्ट कर सकते हो। इस साइकिल का फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल ज्यादा डिमांड इसका फॉरेन में बहुत ज्यादा डिमांड है, और ओवरऑल ये साइकिल ज्यादातर फॉरेन में ही ज्यादा सेल होती है, लोग ज्यादा इसको चलाते हैं और सिटीज में भी लोग इसको लेकर चलाते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये साइकिल का साइज क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 700 यानी 700 × 2.0 इसका साइज है, जो कि फ्रेंड्स अगर ओवरऑल देखा जाए तो 28 इंच इसका साइज आती है, और वो भी फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इसमें आपको डबल वाल रिम के साथ दिया गया, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिम दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको क्विक रेज का भी फंक्शन इसमें मिल जा रहा है, आप चक्के को इसलिए इसमें रिमूव भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपका पैडलिंग दिया हुआ है प्लस क्रैंकसेट जो दिया हुआ है, ये फुल्ली आपका एलॉय बॉडी का दिया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा साइकिल को लाइट बनाता है। ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेंड्स ये साइकिल आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है, तो मैं आपको इसका प्राइस आपको एक बार रिव्यू कर देता हूँ। इसका प्राइस फ्रेंड्स आपको 1,30,200 के आसपास में आपको ये साइकिल मिल जाती है। अगर आप ऑनलाइन जाकर सर्च करते हो तो ऑनलाइन में भी आपको फ्रंट में आपको ये साइकिल दिख जाएगा, इसका प्राइस आपको 1,30,198 के समथिंग है, तो आप उसको देख सकते हो। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स
BMW की साइकिल बहुत ही अच्छा डिमांडेबल साइकिल है और बहुत ही अच्छा लोग इसको लेकर चलाते हैं और यूज करते हैं। अगर आप भी सोच रहे हो कि BMW साइकिल लेना, तो आप इस टाइप की साइकिल ले सकते हो। बहुत ही कम बजट में आपको ये साइकिल मिल जा रही है, जो कि काफी ज्यादा वर्किंग है। अगर आपको किसी प्रकार को कंफ्यूजन या दिक्कत आ रही है, तो फ्रेंड्स आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।